अगर आप साइबर कैफे चलाते हैं या सीएससी सेंटर चलाते हैं तो पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बनाया जाता है ये आपको आना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में आपको हम कंप्लीट डिटेल्स में बताएंगे कि पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बनाया जाता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पासपोर्ट साइज फोटो बनाने के लिए सबसे पहले आपको फोटोशॉप को ओपन कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ स्क्रीन में डबल क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ फोटो वोटो जो भी है निकल के आ जाएगा। जैसे कि मुझे ये फोटो चाहिए, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे। तो इसका सबसे पहले हमें बैकग्राउंड चेंज करना होगा। आप जब भी फोटो खींचे तो फोटो के पीछे आप अपना कपड़ा रख दें, ऐसा एक वाइट कपड़ा रख दें या कोई भी एक सिंगल कलर का कपड़ा रखना जरूरी है ताकि आपको बैकग्राउंड चेंज करने में काफ़ी आसानी होगी। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए सबसे पहले हम मैजिक टूल को सेलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ सेलेक्ट कर देंगे। ये पूरा एरिया कवर नहीं कर रहा है तो हम शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे और पूरा फिर दोबारा प्रेस करेंगे, फिर शिफ्ट दबाएंगे और दोबारा प्रेस करेंगे। इसी तरह आप पूरा एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए पूरा फिट नहीं आया है, यहाँ थोड़ा बाकी है, तो फिर हम शिफ्ट प्रेस करेंगे और यहाँ फिर क्लिक करेंगे। तो देखिए अभी पूरा हमको लग रहा है कि अभी क्लियर है। उसके बाद यहाँ से अपना एक बैकग्राउंड का कलर चूज़ कर लेंगे, किस कलर में आप देना चाहते हैं, हम इसको रेड ही रखेंगे। उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करेंगे तो ये कलर यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बैक स्पेस बटन प्रेस कर देंगे तो देखिए आपका यहाँ बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। ये एरिया को हटाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ कंट्रोल प्लस डी करेंगे, इसका पहले हम साइज सेलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ क्रॉप टूल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए अपने हम एक साइज ले लेंगे, जितना भी आपको एरिया चाहिए उस हिसाब से आप ले लेंगे। मुझे और भी ऊपर चाहिए कि ऊपर करना होगा, यहाँ थोड़ा हम इसको बढ़ा देंगे, इसको पहले हम मैक्सिमाइज कर देते हैं, ऐसे हमको देखने में थोड़ा बढ़िया होगा। उसके बाद यहाँ से इस कोर को पकड़ेंगे और थोड़ा खींच देंगे। यहाँ देखिए अब हमको लग रहा है कि मेरा साइज अभी ठीक है। एरो बटन की मदद से आप इधर उधर घसका सकते हैं, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए मेरा ये साइज यहाँ हो जाएगा। उसके बाद इस फोटो में थोड़ा हमको ब्राइटनेस देना है तो उसके लिए हम यहाँ कंट्रोल प्लस एम प्रेस करेंगे, आपका यहाँ डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। उसके लिए आप थोड़ा तीर इसको पकड़ेंगे और ऊपर नीचे करेंगे तो देखिए आपका यहाँ से ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो रहा है। तो हम इसको मीडियम रखेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। अब इसका थोड़ा ब्राइटनेस का लेवल बढ़ाएंगे तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस एल प्रेस करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उसके लिए हम लेवल को थोड़ा कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं, इसमें ब्राइटनेस बढ़ाएंगे या कम ज़्यादा करेंगे, जो भी करना आप यहाँ से कर देंगे। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। अब हमको लग रहा है कि ये फोटो मेरा बिल्कुल भी तैयार है तो इसको हमको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस एन करेंगे, एक नया पेज ले लेंगे, या फिर आप यहाँ से भी एक ले सकते हैं, या माई फाइल में जाएंगे, यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ आ जाएगा। यहाँ से हम पेपर साइज चूज कर लेंगे A4, उसके बाद यहाँ ओके कर देंगे। अब हमें इमेज का साइज देखना होगा तो उसके लिए हम यहाँ बार के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ इमेज साइज पे क्लिक करेंगे। यहाँ से इसका साइज हम यहाँ से विड्थ ले लेंगे हम 380, यहाँ से हम 380 विड्थ ले लेंगे और यहाँ हाइट एक ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद ओके पे प्रेस करेंगे तो देखिए आपका ये फोटो का साइज बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। इसको हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस यहाँ पे लेके आएंगे। अब हमें फोटो में अपना बॉर्डर लगाना है तो उसके लिए हम यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे, यहाँ कितना पिक्सल्स का बॉर्डर देना है, जैसे कि हमें 3 पिक्सल्स का बॉर्डर देंगे तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। उसके बाद बॉर्डर का कलर क्या रखना चाहते हैं, हम यहाँ से ब्लैक चूज कर लेंगे और यहाँ ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ पे बॉर्डर आ जाएगा। तो हम इसको पहले बढ़िया से बैठा लेंगे इसमें, और बैठाने के बाद ये एरो बटन के हेल्प से इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। हम इसको थोड़ा ऊपर कर लेंगे और हमें जैसे कि 6 फोटो चाहिए, शिफ्ट प्लस ऑल बटन प्रेस करेंगे और इसको यहाँ से एक खींच लेंगे, देखिए आ जाएगा। मुझे इसी तरह से हम पूरा 6 फोटो यहाँ अपना एडजस्ट कर लेंगे, और भी ले लेंगे, शिफ्ट प्लस ऑल प्रेस करेंगे और ले लेंगे, फिर ले लेंगे। अब हमें इसका साइज मिलाना है तो हम थोड़ा एरो बटन की हेल्प से इसका है साइज हम देख लेंगे, ऊपर नीचे जो हो रहा है इसको हम यहाँ से मिला लेंगे। इसको भी थोड़ा हम यहाँ से खिसका देते हैं, ये फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। यहाँ से आएंगे, यहाँ से देखिए मेरा यहाँ लग रहा है कि मेरा आप बिल्कुल यहाँ से रेडी है। इसमें थोड़ा देखिए इस तरह से आप घुमा सकते हैं। अब आपका फोटो बिल्कुल तैयार है। अब इसको प्रिंट करने के लिए आप यहाँ फाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ से प्रिंट विथ प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से स्केल एंड फिट टू मीडिया इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ प्रॉपर्टीज में जा करके आप अपना प्रिंटर को सेलेक्ट कर लेंगे जो भी किया हुआ है। मेरे पास नहीं है प्रिंटर सेलेक्ट किया हुआ, तो हम यहाँ फाइल पे जाएंगे, हमको PDF में सेव करेंगे तो यहाँ सेव एस पे क्लिक करेंगे, एक यहाँ इसका नाम दे देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ PDF लिखा हुआ आ गया फाइल, इसको आप JPG में भी सेव कर सकते हैं, PNG, JPG, हम PDF में करेंगे तो इसको सेलेक्ट रहने देंगे और यहाँ सेव आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ डेस्कटॉप में सेव रखेंगे, उसके बाद सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे।
इसका साइज आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, हम उतना ही रखेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। तो देखिए मेरा यहाँ पीडीएफ में जाकर के डेस्कटॉप में सेव होके रहेगा। देखिए यहाँ पीडीएफ में आ गया है, बाद में आप कभी भी इसको यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, या ये पीडीएफ अपने साथ में रखें, जहाँ भी आप जाएं मौका मिले आपको फ़ोटो की ज़रूरत हो तो आप निकाल सकते हैं। इसी तरह मुझे एक और फ़ोटो चाहिए तो हम डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, यहाँ फ़ोटो आ जाएगा, यहाँ फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ओपन कर देंगे। तो देखिए यहाँ फ़ोटो बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। तो इसका सबसे पहले हमें बैकग्राउंड चेंज करना होगा, तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हम पहले यहाँ मैजिक टूल को ले लेंगे, इसको यहाँ पे फिल कर देंगे पूरा। फिल अगर नहीं हो रहा है तो शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे और पूरा एरिया को बढ़िया से कवर कर लेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ मेरा थोड़ा बाकी है, तो इसको हम फिर शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से ले लेंगे इसको, ये पूरा कैप्चर हो जाएगा। ये सब में अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ फिर हम दबाएंगे आ जाएगा। बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो देखिए आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद ये सेलेक्ट को हटाने के लिए आप कंट्रोल प्लस डी दबाएंगे तो ये सेलेक्ट हट जाएगा। अब देखिए इसमें जब नहीं आ रहा है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ आएंगे, ये बटन या ब्रश टूल को ले लेंगे, यहाँ से ब्रश टूल ले लेंगे, इसका कर्सर साइज थोड़ा आप कम ज़्यादा कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ ब्लैक किया हुआ तो इसको हम इसी के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद यही कलर आ जाएगा। तो उसके बाद इसको हम यहाँ से फिल कर देंगे, तो देखिए पूरा मेरा मिट गया, पूरा बिल्कुल परफेक्ट साइज में आ जाएगा, पूरा मिक्स हो जाएगा। इसी तरह हम यहाँ से बढ़िया से इसको इसी तरह फिल कर लेंगे और कहीं भी कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कहीं आपका कुछ गलती हो जाता है तो आप कंट्रोल प्लस जेड करेंगे तो आप उसमें बैक चल जाएंगे। उसके बाद यहाँ से अगर आपको लग रहा है कि ये बाल हमको नहीं चाहिए, इसको कट कर देना चाहिए, तो इसको काट सकते हैं आप। यहाँ आएंगे, यहाँ पेन टूल को आप ले लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और इस तरह यहाँ से इसको फिल करते चले आएंगे, तो आपका यहाँ से ये पूरा रिमूव हो जाएगा अच्छा से। जिस तरह टाइम फोटोशॉप में जितना आप टाइम देंगे उतना अच्छा आपका फ़ोटो बनेगा। तो इसी तरह से आप अच्छा से राउंड करके आप इसको काट सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आकर के दोनों को मिक्स कर देंगे और राइट क्लिक करेंगे, यहाँ मेक सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, 1% रखेंगे फीडर, उसके बाद यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे, तो देखिए आपका यहाँ से बाल रिमूव हो गया। उसके बाद इसको कंट्रोल डी करके मिटा देंगे। इसी तरह अगर देखते हैं कि आपको और भी चाहिए, इसको और भी गोल करना है, तो आप यहाँ से और भी कर सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट यहाँ से काट करके निकाल सकते हैं। और यहाँ से काट करके यहाँ राइट पे क्लिक करेंगे, मेक सिलेक्शन करेंगे, या फीडर 1% ओके कर देंगे, तो आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये सिलेक्शन को हटाने के लिए आप कंट्रोल डी दबाएंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा। इसी तरह अगर इस तरफ भी आपको चाहिए तो यहाँ पे पेन टूल सिलेक्ट किया हुआ है, हम यहाँ आएंगे, उसके बाद इसको गोल करके काट देंगे, जहाँ जितना आपको काटना है उतना काट देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ आपको यहीं पे ला करके फिर मिलाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से मेक सिलेक्शन चूज कर लेंगे, फीडर 1% और ओके कर देंगे, तो देखिए यहाँ से भी आपका यहाँ हट गया। यहाँ से हम साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, मेरा पहले से सिलेक्ट किया हुआ था तो हमको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी अगर आपको चाहिए तो साइज यहाँ से देख लीजिएगा। साइज सेलेक्ट मेरा हम कर लिए, उसके बाद यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद निकालना है तो उसके लिए पहले हम यहाँ नया पेज लेंगे, कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो आपका एक नया पेज आएगा। यहाँ पेज का यहाँ से साइज सेलेक्ट कर लेंगे, A4 साइज, उसके बाद ओके कर देंगे। ये फोटो है, फोटो का साइज देखेंगे, इसके लिए आप बार पे राइट क्लिक करेंगे या इमेज साइज पे क्लिक करेंगे। यहाँ 1080 है तो इसको हम हटा करके 360 रखेंगे या 380 रख देंगे, उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ इमेज का परफेक्ट साइज आ जाएगा पासपोर्ट का। उसके बाद इमेज को पकड़ेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए यहाँ लाके हम छोड़ देंगे। उसके बाद इसमें हमें एक बॉर्डर लगाना है तो यहाँ एडिट पे जाएंगे, यहाँ से स्ट्रोक चूज कर लेंगे, यहाँ बॉर्डर कौन से कलर का रखना चाहते हैं हम यहाँ से ब्लैक चूज कर लेंगे और ओके कर देंगे। इसमें विड्थ कितना रखेंगे हम 3 रखें, उसके बाद ओके कर देंगे, देखिए आपका यहाँ पे बॉर्डर आ जाएगा। इसको आप बढ़िया से यहाँ फिट कर देंगे जिस तरह आपको पहले हम बताए। उसके बाद यहाँ से शिफ्ट प्लस ऑल बटन प्रेस करेंगे और खींच के हम यहाँ से जितना चाहे उतना फ़ोटो निकाल सकते हैं, जितना भी आपको मन कर रहा है निकाल सकते हैं। एक A4 साइज का पेपर में आपका 6 फोटो आएगा, जो बेस्ट आता है, बढ़िया आता है, तो आप इसी हिसाब से निकाल सकते हैं। इसको बढ़िया से एरो बटन की मदद से आप इसको ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको यहाँ से फाइल पे जाएंगे, यहाँ से PDF में सेव कर सकते हैं, या फिर आप प्रिंटर से इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इस इमेज में थोड़ा और भी अगर फ्रेश करना है इसको और लाइट भी देना है, तो इसमें हम कंट्रोल M प्रेस करेंगे तो डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। इसको हम थोड़ा यहाँ से ब्राइटनेस इसका तेज या कम ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ा इतना रखेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। और मुझे यहाँ से इसका हेयर का कलर थोड़ा हमको और भी ब्लैक करना है, तो उसके लिए हम यहाँ से इमेज पे जाएंगे, यहाँ से एडजस्टमेंट पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ आएंगे सिलेक्टिव कलर के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से हम कलर चूज कर लेंगे, ब्लैक है हेयर का कलर, उसके बाद यहाँ ब्लैक चूज कर लेंगे और यहाँ ब्लैक कलर को थोड़ा आप यहाँ से कम ज़्यादा करेंगे तो देखिए आपका यहाँ से बाल का कलर यहाँ से और भी काला, ज़्यादा काला या कम हो जाएगा। उसके बाद हमको इतना चाहिए, हम यहाँ से ओके कर देंगे, तो देखिए अब यहाँ से साइज परफेक्ट है। उसके बाद इसको थोड़ा लेवल में लेके आएंगे तो कंट्रोल प्लस एल प्लस करेंगे तो यहाँ लेवल डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। यहाँ से हम अपना लेवल चूज कर लेंगे, किस लेवल में आप रखना चाहते हैं इसको,
मुझे इतना चाहिए, हम इतना इसको रख देंगे, उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। सो इस तरह से आप अपना फोटोशॉप से फोटो निकाल सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।